गाइज वेलकम बैक टू चंडीगढ़ ब्यूटी चैनल। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे होठों के बारे में। जी हाँ, होठों के फटने के बारे में आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सेकंड इसका क्या क्या ट्रीटमेंट है वो भी आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप भी बदलते मौसम में होठों के फटने से परेशान हैं तो आज की वीडियो आपको काफी हेल्प करने वाली है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि होठ क्यों फटते हैं। तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो बारी बारी से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले है कि पानी को कम पीना। जी हाँ, पानी का जो लेवल होता है अगर हमारी बॉडी में हम उसको मेंटेन नहीं करते हैं तब भी हमारी बॉडी में रूखापन आ जाता है और होठ होते हैं काफी सेंसिटिव। इसकी वजह से सबसे पहले इफेक्ट हमारे होठों पर दिखता है और होठ हमारे फटने लगते हैं। इसलिए आपको दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी आपको पीना है। थोड़ा थोड़ा पानी आप पीते रहिए तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में जो पानी का लेवल है वो मेंटेन रहेगा और आप जो डिहाइड्रेशन आपकी बॉडी में होता है उससे भी आप बचे रहेंगे। आपकी स्किन भी काफी ग्लो करती है अगर आप दिन में काफी पानी पीते हैं। कम से डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि आपको 2 से 3 लीटर पानी तो दिन में कम से कम पीना ही चाहिए। इसका दूसरा कारण है, बहुत से पर्सन ऐसे होते हैं जो अपने होठों पर बार बार जीभ को फिराते हैं। आपने देखा होगा, आपके कोई फ्रेंड होगा या फिर आपके भाई बहन आपके आसपास, तो आपने देखा होगा कि उनको आदत होती है कि बात करते करते वे अपनी जीभ को अपने होठों पर फिराते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि होठों की जो नमी है वो सूखने लगते हैं, होठ ज्यादा फटते हैं। तो अगर आप में भी प्रॉब्लम है या आपके भाई बहन को है तो उनको ऐसा करने से रोके, वरना फिर सर्दियों में क्या होता है ज्यादा प्रॉब्लम होती है और ये होठ ज्यादा फटने की वजह से क्या होता है कि दरारें आ जाती है और ब्लड भी निकलने लगता है। काफी पेनफुल होता है ये सब, तो प्लीज इस चीज को अवॉइड करिए। तीसरा रीजन है ज्यादा खट्टी चीजें खाना। जी हाँ, खट्टी चीजों का ज्यादा मात्रा में जैसे हम खा लेते हैं उसकी वजह से भी होठ फटने का कारण हो सकता है। वैसे आप बोलेंगे कि खट्टी चीज तो अच्छी रहती है क्योंकि उनमें विटामिन सी होता है। जी हाँ, खट्टी चीजों में विटामिन सी होता है जो हमारी स्किन पर चमक लाने का काम करता है, साथ ही जो एजिंग इफेक्ट होता है हमारी स्किन पर उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। लेकिन फ्रेंड्स, ज्यादा किसी चीज का अगर हम ज्यादा मात्रा में सेवन करेंगे और कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो चीजें हमें नुकसान ही पहुंचाएगी। जैसे जैसे हम खट्टी चीजें ज्यादा खाते हैं और खट्टी चीजों में ज्यादा सिट्रिक एसिड होता है, वो क्या होता है हमारी बॉडी में जैसे डिहाइड्रेशन को बढ़ावा देता है और नमी को, ऐसे हमारी बॉडी की जो नमी है उसको सुखाने का काम करता है। तो अगर आप भी खट्टी चीजें खाते हैं तो उसके बाद आपको पानी ज्यादा पीना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जी हाँ, पानी सब, ज्यादातर सब बीमारियों का इलाज पानी ही है। अगर आप पानी ज्यादा मात्रा में पीते रहेंगे तो आपको स्किन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि पानी आपको भरपूर पीना है। होठ फटने का चौथा रीजन है अल्कोहल का सेवन करना। जी हाँ, आपने देखा होगा कि जो पर्सन अल्कोहल का ज्यादा सेवन करता है उसकी बॉडी काफी रूखी सी रहती है और उसके होठ भी ज्यादा फटते हैं। रीजन ये है कि अल्कोहल बॉडी को डिहाइड्रेट कर देता है, तो इसलिए अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो होठ ज्यादा फटते हैं। तो मेरी तो आपको ये सलाह है कि अगर आप ज्यादा मात्रा में शराब पीते हैं या फिर आप सिगरेट बीड़ी का सेवन करते हैं तो इनको छोड़ दीजिए, या आपकी स्किन को और आपके होठों को तो नुकसान पहुंचाएंगे, आपकी हेल्थ भी काफी हद तक इनसे खराब हो जाएगी। ये सब रीजन नहीं है और फिर भी आपके होठ फट रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको हो सकती है स्किन डिजीज जिसका नाम है चेलाइटिस। जी हाँ, इसकी वजह से क्या होता है कि होठों पर जो एक पुड़ी सी जम जाती है, दरार आ जाती है, ब्लड भी हमारे होठों से निकलता है और जो हमारे माउथ के आसपास का जो एरिया है ये भी बहुत फटता है, जिसके कारण काफी पेनफुल ही होता है और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। खाना भी अच्छे तरीके से नहीं खा सकते। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है और आप होम रेमेडी भी ट्राई कर चुके हैं और उससे आपको फायदा नहीं हो रहा तो एक बार आप डॉक्टर से जरूर सलाह लीजिए, क्योंकि मेरा तो मानना ये है अगर होम रेमेडी आप पर वर्क नहीं कर रही है तो एक बार आप डॉक्टर को दिखा लीजिए। तो फ्रेंड्स ये तो थे रीजन, अब बात करते हैं होठ फटने का क्या ट्रीटमेंट है। अगर आपके होठ फटते हैं तो ऐसा क्या आप ट्रीटमेंट करें जिससे आपके होठ सॉफ्ट हो जाए, मुलायम हो जाए और आपको होठ फटने की प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, नारियल का तेल लेना है। जी हाँ, कोकोनट ऑयल, और आप इसको दिन में 2 से 3 बार अपने होठों पर लगा सकते हैं। होठों पर लगाना है और आपको हल्के हाथों से मालिश करनी है और रात को सोते टाइम भी आपको इसको लगाना है। रीजन ये है कि दिन में तो हम कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, इस वजह से वो निकल जाता है, लेकिन अगर हम रात को सोने से पहले अपने होठों पर लगाएंगे तो काफी टाइम तक हमारे होठों पर स्टे करेगा, इस वजह से इससे हमारे होठ फटने से तो बचेंगे, मुलायम भी होंगे। सेकंड हमें लेनी है मलाई। मलाई हर किसी के घर में आ जाती है, दूध जो आप लेते हैं उसके ऊपर मलाई आ जाती है, तो आपको उसको निकाल लेना है और अपने होठों पर उसको लगाना है। इससे भी आपके होठ काफी हद तक फटना बंद हो जाएंगे और मुलायम भी होंगे, प्लस आपके होठ जो उनका नेचुरल कलर है वो भी वापस आ जाएगा। बात करें थर्ड ट्रीटमेंट की, अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप बादाम का तेल ले सकते हैं। इससे क्या है, अपने होठों पर आपको 5 मिनट तक मसाज करनी है, ये भी आपके होठों को फटने से रोकेगा।
फोर्थ, अगर आपकी होंठ ज्यादा फट रहे हैं, आपके होठों से ब्लड आ रहा है, तब आपको क्या करना है कि कच्ची हल्दी उसको पीस लेना है। पीस लेने के बाद आपको उसको दूध में थोड़ा सा ऐड करना है, थोड़ी मात्रा में ही आपको लेना, ज्यादा नहीं, इतना कि जितना आपके होठों पर लग जाए। इन दोनों को, कच्ची हल्दी और दूध को, आपको मिक्स करना है, अपने होठों पर लगाना है। इससे काफी हद तक आपके होठों को राहत मिलेगी, जो दरारें हैं वो भी धीरे धीरे भरने लगेगी। पांचवा तरीका और सबसे लास्ट यही है कि आपको लेना है हनी। हनी भी हर किसी के घर में मिल जाता है, आपको थोड़ा सा हनी लेना है, उससे अपने होठों की मसाज करनी है। आप दिन में दो बार भी कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर रिजल्ट के लिए आप ये सब चीजें नाइट में अप्लाई करिए, क्योंकि नाइट में आप कुछ भी खाते पीते नहीं है तो लॉन्ग टाइम तक ये आपके होठों पर लगी रहती है। तो आपको थोड़ा सा हनी लेना है और उससे भी 5 मिनट तक अपने होठों पर मसाज करिए, इससे आपके होंठ सॉफ्ट भी होंगे, बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और आपके होठों का जो कलर नेचुरल कलर है वो भी वापस आ जाएगा। होंठ फटने के कारण और उनका क्या क्या ट्रीटमेंट है, ये आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है, थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर देना और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। मैं आपसे मिलूंगी एक और बेहतरीन सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।